जांच किया है ये इसलिए कि चार पांच दिन से हमारे लिए बिजली नहीं है यहाँ पर, तो हमने एहतजाज किया हुकूमत से। हमारा ये मतालबा है कि हम बिल पूरे देते हैं, तो बरए मेहरबानी हमें बिजली भी पूरी दे दो। जो वापडा की जुल्माना लोड शेडिंग है उसके खिलाफ हम निकले हैं। हमें वज़ीर आज़म साहब से भी यही दरख्वास्त है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी यही दरख्वास्त है कि भाई हम बिल दे दें। बड़ी तादाद में बच्चे बूढ़े जवान निकले हुए हैं, ये लोड शेडिंग से बहुत तंग आकर निकले हुए हैं, क्योंकि वापडा वालों ने गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का मुजाहरा किया हुआ है। और इस वजह से हम तकरीबन 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और ये जदीद दौर है, शहर है पाकिस्तान का, कोई देहाती इलाका भी नहीं है, उसके बावजूद इतनी लोड शेडिंग, पता नहीं कि ये लोग क्या क्या, इन लोगों ने MNAs शौकत अली और MPA कामरान बगश ने हमसे वोट लिए हुए हैं, उसका कोई पता नहीं है, कोई पुरसान हाल इन लोगों का नहीं है। हमने कई बार पेस्को चीफ से, शौकत MNA से और ये जो MPA कामरान बंगज से हम बार बार मिले इस बारे में कि भाई हमारा कोई पुरसान हाल निकाल लें, लेकिन उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। इसलिए हम मजबूरन रोड पे निकले हुए हैं और ये आप बड़ी तादाद में लोग आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह अगर ये लोग हुकूमत नहीं चला सकते तो इन लोगों को घरों में भेजना चाहिए।